नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला, आज आप सबके सामने एक जो NVS की एग्ज़ाम की डेट है वो आ गई है। टेंटेटिव डेट अभी तक थी, अभी कंफर्म डेट है और इसी डेट को आपकी परीक्षा हो जानी है। समय बहुत कम बचा है इसके लिए जो अपडेट था, और अब देखा जाए तो आपके पास 15 दिन लगभग बच रहे हैं। तो 15 दिन में क्या एक रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए बहुत कम समय में, और सबसे ज़्यादा जो आपका बोल सकते हैं कि मायने रखता है वो अंतिम की यही 10-15 दिन मायने रखते हैं कि इन 10-15 दिन में आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, जो आपके सिलेक्शन को होने ना होने में निर्धारित करता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक भी कर दो। हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या होना है एग्जाम डेट के हिसाब से। तो ये देख लो कि सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स 8 से लेकर 13 मार्च तक आपकी परीक्षा होनी है, ठीक है ना। 8 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होगी और ये 13 मार्च तक जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और इसमें अलग अलग डेट है, जैसे 8 तारीख को आपकी फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और स्टेनोग्राफर वाली। तो एक जो सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, एक इसके लिए कर रहे हैं स्टेनोग्राफर, एक आपका जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये जो है ये आपका क्या है, ये 9 मार्च का है। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, जीएससी में फॉर्म भर रहे हैं। और अभी लैब अटेंडेंट का भी 9 तारीख को ही है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर का है जो सेक्शन ऑफिसर है और इसका 10 तारीख को है। एमटीएस जो है एचक्यूआरओ कैडर का है, ये भी 10 तारीख को है। जेएससी एचक्यूआरओ कैडर, ये सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, एक जेएनवी कैडर का है, एक एचक्यूआरओ कैडर का है। तो जेएनवी जो कैडर है वो आपका 9 तारीख को है और 630 पोस्ट वाला जो ये है आपका एचक्यू और आरओ पोर्टर जो कैडर है ये आपका 11 तारीख को है। तो ध्यान दीजिएगा, दो डेट आपका है ये नेसेसरी है, 9 तारीख और 11 तारीख, है ना। उसके बाद मेस हेल्पर वगैरह है, तो मेस हेल्पर आपका 12 तारीख को है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट कमीशन हो गया, जूनियर इंजीनियर का हो गया और असिस्टेंट कमिश्नर का हो गया, ये आपको 13 तारीख में है। लास्ट वाला जो है असिस्टेंट कमिश्नर, ये 13 तारीख को है, बाकी आपका 12 तारीख को है। तो 8 से 13, अभी आप देखा जाए तो समय ज्यादा नहीं बचे हैं, आपके पास 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन में तैयारी क्या करना चाहे, तो ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो एक तो जीएससी के भरे गए हैं, ठीक है ना, स्टेनो के भी जो फॉर्म है वो ज्यादा आए हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एक जीएससी यहाँ पे है, एक जीएससी ये है इसका, स्टेनो का भी आया है और मेस हेल्पर वगैरह का भी आया है फॉर्म। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जीएससी है और स्टेनो है इनके जो आपके सिलेबस हैं वो लगभग लगभग सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एक बार यहां पे मैं पहले भी बता चुका था, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश 15-15 पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का विशेष। और उसके बाद आपका यहाँ पे कंप्यूटर है तो 30 पूछे जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम अंतिम के 15 दिन में क्या पढ़ें। देखिए, मेरा जो सुझाव है आपको मैं पहले भी बताया था, इससे पहले आप लोगों को मैंने 30 दिन की स्ट्रेटजी बताई भी थी और बहुत सारे बच्चों ने उस स्ट्रेटजी में काम किया, बहुत ज्यादा हद तक उन्हें फायदा भी मिला है। असली फायदा हमें तब दिखेगा जब एग्जाम में हमारी वो रणनीति क्या होगी, कामगार होगी, और जो हमने पढ़ा है वो हमारी परीक्षा में पूछा जाए। मैंने पहले ही बताया था कि आप परीक्षा प्लस से के द्वारा जो आपके VOD बैचे चलाए जा रहे हैं, वीडियो ऑन डिमांड, वो आप परचेज कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े भी और बहुत ज़्यादा उनके स्कोर भी अच्छे आ रहे हैं, जिनमें आपको 10 टेस्ट दिया गया था, 5 टेस्ट हो चुके हैं, 5 टेस्ट हो भी जाएंगे आपके। सबसे बड़ी बात है, अभी अंतिम के अगर लास्ट के 15 डेज की स्ट्रेटजी मैं आपसे बताऊं तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एग्जैक्टली क्या करना है। देखिए, जितना आपको करना था, जितना आपको पढ़ना था पढ़ लियो, अंतिम 15 दिन में आप PhD नहीं कर पाओगे, ये बात बहुत ही जेन्युइन है ना। एक होती है प्रैक्टिकलिटी, एक होता है कि मतलब बस जोश में चलते रहना, है ना, आंख बंद करके चलते रहना। तो 15 दिन में क्या कर सकते हो उस पर काम करो, और दूसरी बात वो करो जहां से आप स्कोर सबसे ज्यादा कर सकते हो। देखिए, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वाइज एक आपका कंप्यूटर सेक्शन है, 30 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, और एक आपका क्या है, 30 क्वेश्चन का GS सेक्शन है। उस समय मैंने बताया था कि GS सेक्शन को आप अंतिम में रखिएगा, क्योंकि GS बहुत वास्ट है, पहले आप स्कोरिंग वाला पार्ट पढ़ लो, जैसे मैथ्स और रीजनिंग वाला। अब क्या है, अब आपके पास अभ्यास करने का ज्यादा समय नहीं है, अब आपके पास चीजों को रिवीजन मोड में आ गए हो, अंतिम के 15 दिन रिवीजन मोड में हो, और रिवीजन मोड में आपको वो सब्जेक्ट उठाने चाहिए जहां से आप ओरली पढ़ के और नंबर मैक्सिमम गेन कर पाओ। तो ऐसे दो सब्जेक्ट है, एक तो कंप्यूटर पे आप बहुत विशेष ध्यान दो, और GS वाले में करंट वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया,
यहां से इसका एरिया वास्ट है, मे बी आप सारे कवर नहीं कर सकते हो। तो पढ़ना क्या है, मैंने आपको उस कोर्स में ही 165 पेज की एक रामबाण पीडीएफ दी थी, है ना। अभी उसमें से आपको बाकी पार्ट भी नहीं पढ़ने, उसमें से केवल आप आप हिस्ट्री वाला पार्ट, जियोग्राफी वाला पार्ट और आप थोड़ा बहुत साइंस वाला पार्ट उठा लो, बाकी ना ही इकोनॉमिक्स आप उसमें देखने जाओ, थोड़ी बहुत पॉलिटी ले लो। अगर जियोग्राफी भी देखो, इंडियन जियोग्राफी देखो, हिस्ट्री देख रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री देखो, ठीक है, ज्यादा पढ़ो। और अगर आप साइंस देख रहे हो तो उसमें बायो वाला पार्ट ज्यादा पढ़ो। ये आपका जीएस वाला हो गया है, उसे मैक्सिमम करो। और वो अगर आप देखोगे तो 30 से 35 पेज है, है ना, 30 से 35 पेज में आपकी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका बायो, अगर इन चार पार्ट को मिला लिया जाएगा 35 पेज से ज्यादा नहीं होगा। आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा होगा 40-45 पेज हो जाएगा। उसके बाद जीएस में जो सबसे ज्यादा पढ़ना है, करंट पढ़ना है। करंट अंतिम समय में कहां से तैयार करें, बच्चे ये पूछते रहते हैं, तो मैं फिर से बोलूंगा, देखिए ऐसे पेपर जो रेगुलर नहीं होते हैं, दो साल तीन साल पे आते हैं, केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, इनमें क्या करता है, जब पेपर सेट किया जाता है तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है, क्वेश्चन रीफ्रेम नहीं किया जाता। तो ऐसे अभी आप देखो तो एक टेक्स्ट बुक वेबसाइट है ना, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉपी हो रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं होती है कि जो टॉप पे ब्रांड होते हैं या जिनके पास क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा होते हैं, वहां से आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। और ऐसा होता है क्योंकि अगर आप इन लोग के पे देखोगे तो इनके पास एनसीईआरटी के भी कलेक्शन है, इनके पास सारे कलेक्शन होते हैं, तो अल्टीमेटली उसी में सफल करते रहते हैं। तो बेस्ट सोर्स आपका क्या है, एक बार टेक्स्ट बुक ले लो या एक gktoday.in है, ठीक है ना। इन दोनों का ऐप आप इंस्टॉल कर लो और उनसे कौन से मंथ का, पिछले दिसंबर मतलब दिसंबर 21, जनवरी आपका 22 और फरवरी आपका 22। मार्च का देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 तारीख से आपका पेपर हो जाएगा, तो मार्च की खबर नहीं आएगी। आप चाहो तो कहां पे चले जाओ, नवंबर 2021। इन चार मंथ का करंट बहुत अच्छे से पढ़ लो, इससे ज्यादा करंट आपका पूछा भी नहीं जाएगा। इससे ज्यादा करंट पूछता है तो 15 दिन में आप कवर भी नहीं कर पाओगे। करना क्या है, टेस्ट बुक या जीके टुडे इन, जिससे भी आपको ठीक लगे, या दोनों भी कर सकते हो, 99% इन्फॉर्मेशन सबकी सेम ही रहेगी। आपको उनके जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, मंथली वाले क्वेश्चन, उनको अच्छे से सॉल्व कर जाओ, उनको अच्छे से एकदम रट जाओ ऐसे समझो, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से करंट के आ जाएंगे। कंप्यूटर के लिए आशीष सर की क्लास आपको दी ही गई थी, उससे बेस्ट इस पूरे एजुकेशन लाइन में मुझे नहीं लगता है कि उससे अच्छा आपको कहीं पढ़ाया गया है, ना ही कोई नोट्स उतना अच्छा मिलेगा और ना ही एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको 150 से 200 क्वेश्चन के एमसीक्यू दे दिए गए हैं और मैं गारंटी इस बात का ले रहा हूं कि इस 30 क्वेश्चन में, उस 150 में 28 प्लस क्वेश्चन इसी 150 एमसीक्यू से आपके फंस जाएंगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। तो अगर आपको पता है कि यहीं से पूछा जाना है तो आप ज्यादा भटकाव की स्थिति मत करो, उसको बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ो। किसी भी चीज को बार बार पढ़ना ही सबसे सही होता है, 10 किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके पास समय फिर भी बचता है तो आप सर की क्लास क्या कर लो, रिवाइज कर लो। तो ये दो पोर्शन आपके 60 क्वेश्चन यहीं पे कैरी करेंगे और इस 60 में अगर मैं जितना बता रहा हूं उतना आपने कर लिया, तो इस 60 में कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन आप स्कोर कर लीजिएगा। बाकी जो आपके बच रहे हैं, एक आपका हिंदी बच रहा है, हिंदी आप केवल टेस्ट से करो, इंग्लिश आप केवल टेस्ट से करो, जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, एमसीक्यूज जो दिए गए हैं, है ना, आपको 10 टेस्ट दिया गया है कोर्स में, वहां से आप केवल टेस्ट लगाओ, 5 टेस्ट हो गए, उनकी व्याख्या बहुत, सबसे अच्छी बात है टीम परीक्षा प्रेस के आपके टेस्ट सीरीज में जो होता है वो प्रश्नगत रणनीति दी जाती है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसे पूछने की संभावना क्या है, और उससे अतिरिक्त सोच, सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में दी जाती है। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इवन मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, ये जो चार सेक्शन है इसके लिए आपको अतिरिक्त इन 15 दिनों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बिल्कुल मत पढ़िए जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि अब 15 दिन में चीजें वोलेटाइल रहेंगी, याद नहीं रहेंगी। जिन जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो हिंदी बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो एक दो क्वेश्चन का ही फर्क कर पाओगे, बहुत नहीं पढ़ोगे तो भी आपके 15 में से 12-13 सही करोगे, बहुत पढ़ लोगे तो 14 सही कर लोगे, दो क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। सिमिलरली इंग्लिश के साथ है, मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, तो नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में अगर आप करना है तो रिवीजन मोड में रहो, और रिवीजन मोड में जो कोर्स ले लिए हो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि केवल अरिथमेटिक ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल अरिथमेटिक लास्ट में पढ़ो। और अरिथमेटिक में भी कौन से चैप्टर, परसेंटेज चैप्टर आप उठा लो, ये अच्छे से पढ़ लो, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, उसके बाद SI और CI पढ़ लो, ये तीन चैप्टर इधर से, और एक आप रेशियो जरूर पढ़ लो, और एक टाइम एंड वर्क पढ़ लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी मत पढ़ो, इतना अगर आप पढ़ लोगे केवल, बाकी कुछ मत पढ़ो। और मेंसुरेशन में केवल आप ट्रायंगल का और सर्कल का एरिया का क्या कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, है ना, डिफरेंट टाइप के, बस इतना अगर आप कर लोगे तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन में आप
15 प्लस क्वेश्चन करके आओगे, इसकी गारंटी है। बात समझना, यही से पेपर बनने वाला है। और उसके बाद में अभी आप बोलोगे, आप बता रहे हो पेपर बनने वाला है सर, आपको पता है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, ना ही मैं भगवान हूं ना ही मैं आयोग हूं, बट एक जो एनालिसिस है, एक जो प्रेडिक्शन है, उसकी मैं केवल बात कर रहा हूं। अंतिम के 15 दिनों की बात करूं तो, और रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए एकदम ब्लाइंडली आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज को ही अच्छे से सॉल्व करो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से डायरेक्ट, या तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके डिजिट सेम हो जाएंगे, बट जो पैटर्न होगा एग्जैक्टली वैसा ही रहने वाला है। इस बात को आप समझते हुए चलो। तो आपको पढ़ना क्या है अंतिम समय में, सबसे ज्यादा समय किसको देना है, कंप्यूटर जीएस देना है। समय आप निर्धारित कर लो, 15 दिन है, डेली के 6-7 घंटे, 8 घंटे की भी, जितना मैक्सिमम का तो कोई वो नहीं है, बट मिनिमम कि आप 6 घंटे पढ़ो ही पढ़ो। और उस 6 घंटे में आप 3 आवर किसे दो, 3 आवर आप इन दोनों सब्जेक्ट को दो पढ़ने के लिए, और आपका जो उसके बाद 1.5 घंटा टेस्ट सीरीज सॉल्व करो और उसका एनालाइज करो। ऐसे में अगर आप करोगे तो ये हो गया 4.5 घंटा, और उसके बाद जो 1.5 घंटा बचता है उनमें इन सब्जेक्ट्स को, जो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या मैथ्स वगैरह, जो भी आप रिवाइज कर सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो, वो देख लो। तो अल्टीमेटली स्ट्रिक्टली मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे ज्यादा आपको क्या देखना है, कंप्यूटर पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है। कंप्यूटर कहां से पढ़ना है, आशीष सर के वीडियो परीक्षा प्लस पे आपको मिल जाएगी कोर्स में, है ना, वहां से करना है। करंट की आप क्या कर लो, करंट के लिए टेक्स्ट बुक या GKToday.in फॉलो कर लो, है ना, वो भी केवल MCQs, बहुत ज्यादा मत करो GKToday, ठीक है ना। उसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो फिर जीएस में आप क्रम से देखना, मॉडर्न इंडिया, उसके बाद इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में भी कहां से पढ़ना है, केवल आप भाग अनुसूची और 1 से लेके आप 52 तक, केवल फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज तक, है ना, इतने आर्टिकल याद कर लो, या आप 61 वगैरह भी कवर कर लो, 1 से लेके आप 75 आर्टिकल, इतने आपको मेन आर्टिकल सारे होने चाहिए। इसी में ही मैक्सिमम सारी चीजें कवर हो जाती है, इससे बाहर नहीं होता है, ठीक है ना। आर्टिकल की बात कर लो, बाकी भाग अनुसूची कौन सा क्या है ये आप देख लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, केवल इंडियन जियो पढ़ना है, इतना केवल जीएस में पढ़ना है। और बायो पढ़ना है, बायोलॉजी में भी केवल क्या पढ़ना है, डिजीज पढ़ लो लास्ट के अंतिम दिन में, और न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ लो, इससे ज्यादा आपका बायोलॉजी में भी नहीं पूछेगा। बाकी आप इसके अतिरिक्त करना चाहते हो तो केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज से ही आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। हाँ, एक बात मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, ये कोर्स आपका 999 का था, 499 मिल रहा है, लेकिन आपके आसानी के लिए, जैसा कि टीम परीक्षा प्लस आपके हित में सोचती है, तो मैं इतना कर दे रहा हूं कि आपका एक कंप्यूटर की क्लास, है ना, कंप्यूटर की क्लास प्लस नोट्स प्लस MCQ ये पार्ट, और उसके बाद आपका जीएस का PDF जो रामबाण PDF है, और उसके बाद आपको 10 टेस्ट, है ना, 10 टेस्ट, इसका मैं एक अलग से ही पैकेज बनवा दे रहा हूं, जो ज्यादा नहीं, आपका 199 में ही अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस इसकी 500 जो भी होगी, लेकिन ऑफर में अंतिम दिनों में मैं 199 में अवेलेबल करवा दे रहा हूं, कि अंतिम 15 दिन में यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो केवल इतना पोर्शन पढ़ लोगे तो आपके 130 क्वेश्चन में से कम नहीं तो 65 क्वेश्चन तो हूबहू आपके सही हो जाने, बाकी आप जितना प्रयास करते चलोगे उतना आपका सही हो जाएगा। और 130 क्वेश्चन में से 80-85 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अगर 60-65 यहां से कर ले रहे हो, 20 क्वेश्चन बाकी टेस्ट सीरीज और इनसे कवर कर ले रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, आप अंतिम 15 दिन में कितना भी प्रयास कर लोगे, आप केवल अपने आप को क्या कर लोगे, डिमोरलाइज करोगे, फ्रस्ट्रेट करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पैनिकनेस मतलब टेम्परामेंट कूल रखो, एक दिमाग में विचार रखो, जितना करना था कर लियो, अब आप केवल उसे समेट सकते हो, है ना, जितना फैलाना था फैला लियो, और समेटने में रिविजन मोड में रहो। रिविजन में करंट, कंप्यूटर और आपका टेस्ट सीरीज, 3 ही मॉड्यूल होना चाहिए, और इसे मल्टीपल टाइम करो, इतना करोगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। हमने ASI में भी करके दिखाया है, हमने हाईकोर्ट RO में भी करके दिखाया है, लास्ट के 10 दिन में 60-65% क्वेश्चन एग्जैक्टली फंसा के दिखाए, और NVS में भी आपको फंसा के दिखाएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। आप अपनी तैयारी जारी रखो, बाकी हम लोग जो भी आपको मार्गदर्शन देना होगा, रणनीति होगी, वो तो बीच बीच में आते ही रहेंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।